हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 10वीं और 12वीं के पूरक सप्लीमेंट्री फॉर्म 2022 के लिए आवेदन जो है आ चुका है। दोस्तों, आप लोगों को कब तक आवेदन जमा करना है, इसका फीस कितना है और इसका जो लास्ट डेट है कितना है, ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जून महीना में इसका फॉर्म जो है आएगा, तो शिक्षा मंडल में ने थोड़ा सा डेट को चेंज कर दिया है और जून तक भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जून तक को डेट को आगे बढ़ाया गया है ना। तो कक्षा 10वीं और 12वीं जो विद्यार्थी किसी विषय में सप्लीमेंट्री आए होंगे या तो सभी विषय में फेल होंगे, यानी क्रेडिट योजना जिसको हम बोलते हैं, तो सप्लीमेंट्री फॉर्म और क्रेडिट योजना के सभी विद्यार्थी जो है 31 मई तक जो है ऑनलाइन आवेदन अपने स्कूलों के माध्यम से कर सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने स्कूल चले जाएंगे और वहां से आपका ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाएगा। दोस्तों, ठीक है, यदि आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट च्वाइस सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं, च्वाइस सेंटर में आवेदन उपलब्ध है और ये ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन किसी भी तरह से नहीं है। तो डेट का विशेष ध्यान रखना है आपको। कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री और क्रेडिट योजना का जो है स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 31 मई है सामान्य शुल्क के साथ, और लेट फीस 500 के साथ जो है 7 जून इसका लास्ट डेट है। दोस्तों, यानी लेट फीस यदि आप 31 मई के बाद आवेदन करना चाहेंगे तो 7 जून तक का समय दिया गया है, लेकिन आपको लेट फीस 500 देना पड़ जाएगा। तो देखिए, शिक्षा मंडल जो है अपना डेट कभी भी चेंज कर देता है। इसी प्रकार जब रिजल्ट आया था है ना, तो 15 मई तक रिजल्ट घोषित होगा, फिर उसको 14 मई को घोषित कर दिया गया। अब पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री का फॉर्म आया तो इसका भी डेट उन्होंने चेंज कर दिया। पहले जो है जून महीना में फॉर्म भरा जाता था दोस्तों, इसके पहले सालों में, और हर साल जो है जून महीने में फॉर्म भरते थे और अगस्त में पेपर होता था, परंतु इस बार जो है फिर से चेंज कर दिया। विद्यार्थियों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डेट को चेंज किया, क्योंकि यदि जल्दी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, तो आप लोग जो है कक्षा 11वीं और जो 12वीं पढ़ रहे हैं वो कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस में जो है लेट लतीफ़ी नहीं होगा। मतलब ये आपके सुविधा के लिए ही जल्दी आवेदन दिया गया है, ताकि परीक्षाओं को जुलाई महीने में ले लिया जाए और इसका रिजल्ट जो है अगस्त में जारी होगा, तो आप लोग को कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा और प्लस स्कूलों में एडमिशन हो जाएगा। और दोस्तों, एक जानकारी और है कि आपका परीक्षा कहाँ पर होगा। इस बार आपने अपने ही स्कूल में बैठ कर दिलाया था, तो अभी केंद्र का निर्धारण नहीं किया गया है, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर को कहां रखा जाएगा, ये बाद में और अपडेट आएगा तब पता चलेगा। दोस्तों, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और जानकारी के लिए। चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।